सुप्रभात भैया मैम, आज हम संस्कृत में जानेंगे, समय देखना तो सबको आता है ना भाई में, तो आज हम देखेंगे कि समय को संस्कृत में किस प्रकार से बोला जाता है या पढ़ा जाता है। जैसे अगर हम मैथ्स की बात करें, गणित की बात करें, तो गणित में अगर कोई मुझसे पूछे कि इस घड़ी का कितना टाइम है, तो हम कहेंगे इस घड़ी में कितना बजे है, 5 बजे। लेकिन यदि कोई हमसे संस्कृत में पूछे कितना बजे है, तो हम क्या कहेंगे, पता है नहीं। तो आज हम इसी विषय में जानेंगे कि समय को संस्कृत में किस प्रकार से बोला जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं समय बोधर, समय का ज्ञान। देखिए यहाँ छोटी स्त्री जो है वह 5 में है और जो बड़ी स्त्री है वह 12 में है। कितना बजे है, 5 बजे है, और 5 बजे को संस्कृत में क्या कहेंगे, पंचवादनम। क्या कहेंगे, पंचवादनम। ठीक है, अगर 1 बजा होगा तो 1 वादनम, ठीक है, 2 बजा होगा तो 2 वादनम, ऐसे ही। और 9 बजा है तो 9 वादनम, 10 बजा है तो 10 वादनम, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, यहाँ पर इस घड़ी में कितना टाइम है, 5:05, ठीक है। अब हम संस्कृत में कैसे पढ़ेंगे, क्या संस्कृत में भी हमसे पूछे ये कितना टाइम इस घड़ी में हो रहा है, संस्कृत में बताइए, तो कैसे बताएंगे, तो देखिए ये जो है कितना है, 5 बजे से 5 मिनट अधिक है, ये तो है, तो संस्कृत में इसी प्रकार से हम टाइम बताएंगे। तो कैसे बताएंगे, पंचाधिक, पंचाधिक मतलब 5 अधिक, पंचवादन, ठीक है, पंचाधिक 5 अधिक, पंचवादन 5 बजे, 5 बजे से 5 अधिक, तो 5:05 को संस्कृत में क्या कहेंगे, पंचाधिक पंचवादन। ठीक है, अगर 5:01 होगा तो क्या कहेंगे, एकाधिक पंचवादन। 5:10 होंगे तो क्या कहेंगे, दशाधिक पंचवादन। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस घड़ी को देखिए ध्यान से, कितना बजे, 5:15 बजे, मीन 5:15 हो गए अगर कोई हमसे पूछे तो। लेकिन अगर कोई हमसे संस्कृत में पूछे तो क्या कहेंगे, 5:15 को कहेंगे 5:15, कहेंगे 5:15, 5:15 को क्या कहते हैं, 5:15। ठीक है, अब इस घड़ी को देखिए कितना बजे है, 5:30। देखिए अगर कोई संस्कृत में कहे कितना बजे है तो क्या कहेंगे, 5:30, 5:30 यानी 5:30 बजे। ठीक है, अगर 4:30 बजे होता तो 5:45, 3:30 बजे आता तो 5:45। ठीक है, अब इस घड़ी को देखिए कितना बजे है, 6:15। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे संस्कृत में इसको कितना बोले तो क्या कहेंगे, इसको 6:15 को क्या बोलेंगे संस्कृत में, पादुम षट्वादन, मतलब 6 बजे, यानी 6:15 कम है तो कैसे बोलेंगे, पादुम षट्वादन। अगर 7:15 कम होंगे
सप्तवार है, आरवाजने में पंद्रह मिनट कम होंगे तो आरोन अष्टवादन। ठीक है, अभी लास्ट तीसरी घड़ी अंतिम घड़ी, इसमें क्या टाइम होना है, छह बजने में दस मिनट है। कितना टाइम है, छह बजने में दस मिनट, तो इसको क्या बोलेंगे, दशोन षटवादन। क्या बोलेंगे, दशोन षटवादन, मतलब छह बजने में दस मिनट कम। ठीक है, अगर सात बजने में दस मिनट कम होंगे तो क्या बोलेंगे, दशोन सप्तवादन। आठ बजने में दस मिनट कम होंगे तो दशोन अष्टवादन। क्या बोलेंगे, अगर आठ बजने में दस मिनट कम होंगे तो क्या कहेंगे, दशोन अष्टवादन। ठीक है, तो आज हमने जाना समय बोध की संस्कृत में समय को किस प्रकार से बोला जाता है। ठीक है, अब एक चीज और अंत में जानेंगे, जो पांच बज के पंद्रह मिनट था और साढ़े पांच था और छह बजने में पंद्रह मिनट था, साढ़े पांच में सार्ध क्यों आता है, सवा पांच में सपाद क्यों आता है, और जब छह बजे में पंद्रह मिनट थे तो आधुन क्यों आया, तो इसका एक कारण है कि इसको जो घड़ी है उसको चार भागों में बांटा गया। यहाँ पे तो सबको बताया कि जो सुई यहाँ पे पहुंचेगी तो दोनों सुई तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, पंचवादनम षटवादनम सप्तवादनम अष्टवादनम, ये तो बचेगा ना। उसके बाद जब यहां पहुंचेगी तो इसको कह दिया सपाद, सपाद, इसको क्या कह दिया, सपाद, इसको कह दिया सार्ध, और इसको कह दिया आर्ध। ठीक है, इसको कह दिया बादरम। तो अगर कोई सुई छोटी सुई तीन में बड़ी सुई बारह में है तो क्या कहेंगे, त्रिवादनम। अगर छोटी सुई तीन में और बड़ी सुई भी तीन में तो क्या कहेंगे, सपाद विवादनम। छोटी सुई तीन में बड़ी सुई छह में तो सार्ध विवादनम, और अगर छोटी सुई तीन और चार के बीच में और बड़ी सुई नौ में तो क्या कहेंगे, उसको पादोन चतुर्वादन, मतलब चार बजने में पंद्रह मिनट है। तो आज हमने जाना समय बोध, आशा है आपको ये समझ में आया होगा, और इनको अपनी कॉपी में बनाएंगे और इस समय ऊपर लिखेंगे। धन्यवाद।